मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब जहरीले जीव जंतु अपने बिलों से बाहर आने लगे हैं और यह बिलों से निकलकर आसपास खड़ी गाड़ियों, बग्गियों और घरों को अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। जी हाँ, खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया से सामने आई है, जहाँ एक घोड़ा बग्गी में अचानक जहरीली नागिन निकलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मकरोनिया में कृष्णा टेंट हाउस की घोड़ा बग्गी में अचानक लोगों ने नागिन को टायर से लिपटा हुआ देखा तो लोगों में दहशत फैल गई। नागिन के निकलने की सूचना आसपास के लोगों ने सांप एक्सपर्ट अकील बाबा को दी, जहां मौके पर सांप एक्सपर्ट अकील बाबा पहुंचे, जहां उन्होंने 15 मिनट की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर नागिन को पकड़ लिया। मतलब ये करेत प्रजाति में आता है, ये जो है ना ज्यादातर अधिकतर छिपकली खाता है। कितना जहरीली होता है वो मानव के लिए, कितना खतरनाक है? मतलब ये बहुत ज्यादा घातक होता है ये वाला सांप। ये जो है अधिकतर जो है ना पेड़ों पे रहता है, नीचे नहीं रहता। नीला हो गया ये, इसका कलर चेंज हो रहा है क्या? इस सांप में जो है ना इसका कलर चेंज हो जाता है जब ये गुस्से में आता है, तो इसका कलर अपने आप चेंज। अभी बरसात और उमस हो रही है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए लोगों? अब सावधानी को क्या है, साफ सफाई रखना चाहिए घर के लिए। कौन सी उसपे बता रहे हैं? जो है ना कृष्णा टेंट वाले है, उनकी बग्घी थी, इसकी बग्घी की छत के ऊपर ये बैठा हुआ। कहाँ से पकड़ा आपने ये? मकरोनिया से। फिलहाल नागिन के पकड़े जाने के बाद कृष्णा टेंट हाउस वालों और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मकरोनिया। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड, द्वारका बिहार चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश।